हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब सो so, बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक्स और धीरे धीरे इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे ठीक है तो एक बार हम पहले पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले क्या हैं जैसे पहले हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से फिर हम बात करेंगे कन्वेंशनल करंट के बारे में फिर बातें होंगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन और करंट के बारे में देन बच्चे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट करंट डेंसिटी देन ओम्स लॉ फिर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस एंड देन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। ये हम इस पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट जो होगा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट टू उसके अंदर हम पढ़ेंगे ब्रिज क्या होता है फिर हम डिस्कस करेंगे कि, कि वॉट इज मीटर ब्रिज फिर पोटेंशियल मीटर के बारे में हम बात करेंगे ठीक तो आइए स्टार्ट करते हैं so, सबसे पहले बच्चे इलेक्ट्रिक करंट होता क्या ध्यान से देखिएगा। so बच्चे तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर एक कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर के अंदर बच्चे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ठीक है? और इनिशियली ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चे दे विल बी इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन ये तो आपको बताइए कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे विल बी अंडर द रैंडम मोशन कैन वी से दैट इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्जेस पास होंगे ठीक है एंड दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सो इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर ठीक है सो क्या मैं बोल सकता हूं बच्चे कि द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन वन सेकेंड ठीक है इसका डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो आप ये भी लिख सकते हो करंट इज डिफाइंड एज इज डिफाइंड एज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर ंग थ्रू कंडक्टर पर यूनिट टाइम ठीक है सो एक पर्टिकुलर एरिया से जो भी करेंट पास होगा दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट या फिर जो भी चार्ज पास होगा दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट सो वी कैन से दैट बच्चे आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी so can I say that I is equals to Q by T so it can also be written as I equals to dQ by dT I is equals to dQ by dT बाई डी टी ठीक है सो आई कैन बी रिटर्न एज डी क्यू बाई अब आपके दिमाग में आ रहा होगा बच्चे कि हम इस करंट को और भी अच्छे तरीके से इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं बच्चे से सुनिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है और बात कुछ इस तरीके से सो वी कैन थोड़ा पीछे की दुनिया में चले जाते हैं यहां पे सो वी कैन से दैट करेंट आई इज इक्वल्स टू क्यू आई टी अभी मैंने आपको बताया तो Q मतलब चार्ज हो जाएगा सो वी कैन से दैट वन कूलम और टाइम कितना हो जाएगा वन सेकेंड सो अब वन एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे सो वी कैन से दैट वन एमपियर ऑफ करंट इज डिफाइंड व्हेन चार्ज ऑफ वन कूलम पासिस फॉर वन सेकेंड ठीक है सो हम कह सकते हैं बच्चे कि द अमाउंट ऑफ चार्ज और वी कैन से दैट the one ampere of current the one ampere of current is defined is defined when charge of when charge of one coulomb so the one ampere of current is defined when charge of one coulomb passes for one second, one coulomb passes for one second. समझ में आई बात है सो so, ये सारी चीज़ें हो गई हमारे current के बारे में अब जब हम current की बात करेंगे बच्चे तो बहुत सारे टाइप के करंट होते हैं जो कि बेसिक अगर देखा जाए तो दो टाइप के होंगे वन विल बी योर AC current and एंड will विल बी DC current. इसके बारे में हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे अभी फिलहाल आपको ध्यान देना है कि एसी करंट जो होता है उसके अंदर फ्लक्चुएशन होते हैं और डीसी करंट के अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होता है मतलब डीसी करंट विल बी अ डायरेक्ट लेकिन बच्चे जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं सो वट एवर द इलेक्ट्रिसिटी वी जनरेट दैट इलेक्ट्रिसिटी इज अन दी करेंट और इसी ऐसी करेंट को हम मॉडिफाई करके डी सी करेंट में कन्वर्ट करते हैं जिसके अंदर हम रेक्टिफायर्स या रेगुलेटेड पावर सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं वो धीरे धीरे हम बातें करेंगे क्योंकि हमारा एक चैप्टर है जिसमें हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की बातें करेंगे ठीक है सो so, अगर इन दोनों करंट का मैं ग्राफ देखता हूँ बच्चे सो देयर विल बी अ दिस ए ग्राफ इज़ फॉर डीसी और यहाँ पे जो डी दिख रहा है दैट इज़ अ टाइम वेरिंग करंट जिसको हम ए सी करेंट कहते हैं समझ में आ गई बात है लेट्स मूव है सो नेक्स्ट बच्चे जब हम सर्किट के अंदर बात करते हैं या फिर अगर हम कोई कंडक्टर लेते हैं सो so, जब कंडक्टर के अंदर हम कोई भी एक्सटर्नल सप्लाई अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे कि यह हमारा कंडक्टर है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है तो जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं बच्चे दे आर इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होते हैं तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई e नेट उसकी वैल्यू शून्य हो जाती है मतलब ई नेट की वैल्यू जीरो हो जाती है या फिर यूं कह लो आई की वैल्यू जीरो हो जाती, आई नेट की वैल्यू जीरो हो जाती है, मतलब रिजल्टेंट करेंट जीरो हो जाता, है। ठीक है? लेकिन, लेकिन जैसे ही इस कंडक्टर में मैंने एक्सटर्नल सप्लाई को अप्लाई किया आरी बात समझ में? तो थोड़ा सा इसके अंदर वेरिएशन आ जाएगा अब क्या वेरिएशन आएगा वो भी देख लेते फटाफट ठीक है सो so, अब यहां पे आप ध्यान से देखिएगा सो so, जैसे ही मैंने यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया सो वी कैन से दैट बच्चे कि ये इधर से मूव करना शुरू कर देगा सो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज विल स्टार्ट मूविंग द पॉजिटिव चार्ज तो ये सारे के सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बच्चे वो पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू करते हैं समझ में आ रही बात है ओके सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सो नेक्स्ट वी कैन से दैट कि इस सर्किट के अंदर बच्चे दो टाइप के करंट डेवलप होते हैं ठीक है यहाँ पे दो टाइप के करंट डेवलप हो जाएंगे अब ये दोनों करंट कौन कौन से करंट होते हैं वो हम देख लेते हैं तो इसके अंदर एक करंट फ्लो होगा जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा और उस करंट के को बच्चे हम नाम देते हैं कन्वेंशनल करंट क्या नाम देते हैं कन्वेंशनल करंट और एक करंट फ्लो होता है यहाँ से जो नेगेटिव नेगेटिव से मूव करना शुरू करते हैं बच्चे दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट समझ में आ रही बात है और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है और कन्वेंशनल करंट होता है बच्चे इन दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है और इसके अंदर एक खास बात होती है जब ये हम करंट अप्लाई करते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करते हैं और जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो दे स्टार्ट कोलाइडिंग विथ ईच अदर वो सारे के साथ कोलाइड करना शुरू करते हैं और यूं कहिए कि दे स्टार्ट मूविंग विथ सर्टेन वेलोसिटी एंड दैट वेलोसिटी इज रिटर्न एज बच्चे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या नाम देते हैं उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं वी डी से ठीक है तो बच्चे मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर्किट के अंदर जो कन्वेंशनल करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है ठीक है सो कन्वेंशनल करंट इज द हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो मैंने आपको बताया कि वेन वी अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस देयर विल बी फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल एंड दैट इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल करंट सेम वे इस सर्किट के अंदर भी आप देख सकते हो कन्वेंशनल करंट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ये भी मैंने आपको बताया कि द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट एंड ट्रेडिशनल करंट आर टोटली अपोजिट टू अब ये होने के बाद बच्चे अभी मैंने आपको बताया कि ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी 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 क्या होता है क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू शुरू हो जाएगा so वो धीरे-धीरे कोलाइड होना होंगे और कोलिजन वी कैन से देयर विल बी अ व्हिच इज़ समझ इलेक्ट्रॉन्स गेट्स पॉजिटिव टर्मिनल एंड इसका फॉर्मूला होता है बच्चे आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी वेर वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चे वी डी इज इक्वल्स टू आई अपॉन एन ई ए आई अपॉन एन ई ए अब ये जो एन होगा बच्चे एन विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई विल बी द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ए विल बी द एरिया एंड आई विल बी द करेंट और टोटल जो वीडियो हो जाएगा दैट विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आई बात है तो फिलहाल आपको ये समझ में आया कि करंट क्या होता है नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ करंट जिसमें हम लोग ने एसी और डी सी के बारे में बात की देन बच्चे वी डिस्कस विद द कन्वेंशनल करंट दैट इज अच्छा करंट विच इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल एंड द इलेक्ट्रॉनिक करंट विच इज मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ठीक है सो द नेक्स्ट पार्ट इज करंट डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है सो व्हाट इज करंट कैन आई से दैट बच्चे करंट डेंसिटी इज नथिंग बट करंट पर यूनिट एरिया समझ में आई बात है सो कैन आई से दैट करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज Is defined as the current flowing per unit area the current flowing per unit area the current flowing per unit area so can I say that J will be equals to I by A और आई मैंने कुछ ही देर पहले बताया एन ई एडी होता है अपॉन एरिया एरिया या कैंसल जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी कैन आई से जे इज़ टू ठीक है अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो इट कैन बी रिटर्न आई इक्वल्स टू जे समझ में आ रही बात है सो दिस इज नथिंग बट द कर डेंसिटी नाउ आफ्टर करंट डेंसिटी बच्चे और ये आपने बचपन से पढ़ा है अभी ऐसा नहीं कि मैं आज आपको पहली बार बता रहा हूं आपने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा है, ठीक है तो सबसे पहली बात इसमें बच्चे हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई कंडक्टर है तो इसके अंदर ये रिलेशन तभी लागू होगा जब इस कंडक्टर के सारे फिजिकल कंडीशन जो होंगे वो सेम रहेंगे मतलब फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होने चाहिए मेरे कहने का मतलब ये है कि वेन और वी कैन से दैट द अमाउंट ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक करंट flowing through a conductor is directly proportional so i is directly proportional to potential difference or we can say that the amount of applied potential is directly proportional to current so the amount of applied potential is directly proportional to current or so, when all the physical condition will remain same so when physical condition physical condition of conductor remains same okay so when physical condition of the conductor remains same so v is directly proportional to i so when i remove this proportionality sign we can say that v is equals to ir where आई इज दर विजिस्टेंस यहां तक आपको कोई दिक्कत और इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ओरिजिन सो एक बार इसको मैं पढ़ देता हूं सो द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द चर जैसे मैंने बताया मैकेनिकल स्ट्रेन इट सेक्टर रिमीन द सेम तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी और वी इज डायरेक्टली टू आई आर और यहाँ पर जब हम स्लोप निकालेंगे सो विल गेट दोटेंशियल और सॉरी वी कैन सेट द रजिस्टेंस अब आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि सर ये सब तो चलो ठीक है वो रजिस्टेंस क्या होता तो है बड़ा ही सिंपल सी सवाल है So, बच्चे रजिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं द ऑब्स्टिकल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सो द ऑपोजिशन द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट

आर यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चे यहां तक तो सारी चीजें समझ में आए